हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल में। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 100 ग्राम मटर के दाने लिए हैं, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 10 से 12 पीस काजू के लिए हैं, छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने छील लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, शक्कर लिए है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मिल्क लिया है, 2 टमाटर और 1 हरी मिर्ची ली है, तेल सब्जी बनाने के लिए लिया है और पनीर को सॉटेड करने के लिए लिया है। सबसे पहले हम मटर को बॉईल करेंगे। मटर के दाने में हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। ताकि मटर हमारे जैसे हैं वैसे ही रहे, उसका कलर चेंज ना हो। ये हमारा मीडियम होना चाहिए। ढक्कन लगाकर हम 5 से 7 मिनट के लिए मटर को बॉईल करेंगे। मटर हमारे अब बॉईल हो चुके हैं। मटर को अब हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि मटर का एक्स्ट्रा पानी सारा बाहर निकल जाए। फ्राई पैन में मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है। तेल को हम हल्का सा गरम करेंगे। तेल में हम पनीर डालेंगे। मैंने पनीर के को क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहें तो लंबा भी कट कर सकते हैं। गैस हमारा कम पर होना चाहिए और पनीर को नॉनस्टिक पैन में ही सेकना चाहिए ताकि पनीर हमारा चिपके ना। पनीर हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है नीचे से। पनीर को अब हम टर्न कर लेंगे। सभी पनीर को नीचे से भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। पनीर को हमने दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम पनीर को एक बाउल में निकाल लेंगे। पनीर को हम नॉर्मल पानी में डालेंगे ताकि पनीर हमारा हार्ड ना हो और अच्छे से च्यू हो जाए। च्यूएबल पनीर अच्छा लगता है। अब हम मिक्सर जार में टमाटर को रफली कट कर लेंगे। एक हरी मिर्ची भी हम रफली कट करके डाल देंगे जार में। अदरक का छोटा टुकड़ा डाल देंगे। 10 से 12 पीस हम काजू के डालेंगे और एकदम फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। फाइन पेस्ट हमारा बन चुका है। पेस्ट को हम एक बाउल में ले लेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया है। तेल को हम अच्छा गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पर 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा क्रैक हो जाने के बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से हिलाएंगे। अब 2 टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और मसाले को हम तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाएंगे। मसाला अब हमारा अच्छे से पक चुका है।
मसाले से तेल भी छूट गया है। मसाले में अब हम पनीर डालेंगे। पनीर को हम पानी से निकाल कर डालेंगे। मटर डालेंगे हम, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम और मटर और पनीर को हम पानी में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम पकाएंगे ताकि मसाला पनीर और मटर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मटर पनीर में 1-2 बॉईल आने के बाद हम मटर पनीर में थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने से सब्जी हमारी गाढ़ी नहीं होती है। आप चाहे तो क्रीम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूध डाला है। दूध डालने के बाद हम मटर पनीर को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। सब्जी में हम थोड़ी कस्तूरी मेथी दोनों हाथों से मसल कर डालेंगे। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है। पनीर की सब्जी में कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तैयार है मटर पनीर की सब्जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल बटन दबाना ना भूलें।